कोरोना महामारी में जो बातें हमें सबसे ज्यादा चिंतित या परेशान करती है वो ये है कि इस दौरान हमारा खान पान कैसा हो। अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो आप वो सभी चीजें खा सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन अगर आप कोरोना पीड़ित हैं तो आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रोटीन तथा विटामिन से भरपूर चीजों को ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये सब मिलकर आपको कोरोना से लड़ने में शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि इस दौरान अक्सर आपका स्वाद चला जाता है, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है तथा बहुत कमजोरी महसूस होती है, इसलिए इस दौरान आपको आसानी से पचने वाला आहार थोड़ी थोड़ी देर में लेना चाहिए, जैसे सब्जी मिली हुई खिचड़ी, दलिया या फिर दाल पीठा। इसके अलावा सूजी या दलिया को दूध एवं गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मछली इत्यादि को भी आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। हरी सब्जियां जो भी आपको आसानी से मिले उसका अधिक मात्रा में सेवन करें तथा तरल पदार्थ जैसे गुनगुना पानी, नींबू पानी तथा हल्दी वाला दूध का सेवन जरूर करें। जो भी मौसमी फल आपको आसानी से मिले उसे खाएं। अगर वो खट्टे रसीले फल हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कोशिश करें कि खाना गर्मा गर्म खाएं। ज्यादा मसालेदार तला या भुना हुआ खाना, ज्यादा मीठा या मैदा से बनी चीजें तथा बाहर का खाना नहीं खाएं। ठंडा एवं बासी खाना खाने से बचें। कोरोना की बीमारी से उभरने के बाद भी आपको संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस दौरान आपका शरीर काफी कमजोर रहता है, इसलिए इस दौरान भी आपको प्रोटीन युक्त आहार जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मछली इत्यादि का सेवन करना चाहिए। कोई भी फल, दही या मट्ठा और पानी का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। दिन में एक बार हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। शरीर की थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए खट्टे रसीले फल जैसे संतरा, मौसमी तथा आंवला का सेवन करें। इससे थकान भी दूर होगी तथा ताकत भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप अपने सोच को भी सकारात्मक रखें। इससे आप जल्दी स्वस्थ होंगे।